हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और भी काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा था। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उस टाइम पीरियड में कैसा आर्ट था, कैसी बिल्डिंग्स थी, कैसी डिज़ाइनिंग थी, क्या आर्किटेक्चर था, किस तरह की मूर्तियाँ थी, स्कल्पचर थे, ये सब कुछ हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये बसी हुई थी इंडस यानी कि सिंधु नदी के तट पे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में थी, तो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया में थी। मेनली जो आपका पाकिस्तान जो है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम साइट्स अब इसकी चली गई हैं पाकिस्तान में। वैसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था जिस टाइम ये सभ्यता थी, बट राइट नाउ मैक्सिमम साइट्स इनकी पाकिस्तान में हैं, बट ऐसा नहीं इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी हैं। कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, इस तरह से। नाउ टू मेजर साइट्स, अब जो सबसे बड़ी दो साइट्स हैं वो दोनों ही पाकिस्तान में हैं, एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो। लोथल जो कि गुजरात में है, इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये तो मैंने आपको हल्का सा रिवाइज कराती है ताकि आप थोड़े से इतना कि वापस चल जाएं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में, थोड़ा सा बेस वहाँ से पकड़ लें, है ना। अब देखिए, आर्किटेक्चर के बारे में हमें जाना है कि वहाँ पे घर कैसे थे, टाउन प्लानिंग कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ठीक है। तो हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो हम इसी परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से अभी नहीं पढ़ेंगे। नाउ आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। नाउ दोज पीपल हैड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, जो शहर हैं उनको कैसे प्लान करना है उसकी बहुत ही अच्छी सेंस जो है, जो हमें रिमेन्स मिली है उससे मिलते हैं। अब जो रोड्स हैं वो कट करते थे राइट एंगल्स पे, मतलब सड़कें इस तरह से थी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से बिल्कुल राइट एंगल्स पे वो कट करती थी। अब जो साइड का एरिया बच गया, या यहाँ पे शॉप्स होंगी, घर होंगे, प्राइवेसी का बड़ा अच्छा कंसर्न था, ठीक है। अब जो मेन एंट्रेंस थी वहाँ से अंदर जो आंगन है उसका पूरा व्यू नहीं आता था, मतलब अंदर कोई क्या कर रहा है बाहर नहीं पता चलता था, प्राइवेसी को बहुत अच्छा उन्होंने कंसीडर किया था। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। अब जो वो बिल्डिंग्स बनाते थे, घर बनाते थे, तो क्या यूज़ करके बनाते थे? सो दोज पीपल यूज बर्नड मड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस। अब देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं ना, वो आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगी, इंडिया में भी मिलेंगी, जम्मू में भी मिलेंगी, अलग अलग जगह पे मिलेंगी, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। लेकिन वहाँ पे कहीं भी आप बात करें तो सेम स्टैंडर्ड डायमेंशंस रखी गई थी, और जो ईंटें थी वो उसी डायमेंशंस की हर जगह यूज़ की गई। पहली चीज़ कि उस टाइम पे कौन प्रोडक्शन करता होगा, कैसे एक दूसरी जगह पहुंचाते होंगे, और सेम स्टैंडर्ड साइज़ की सभी ईंटें यूज़ करें तो बहुत सोचने वाली बात है। दूसरा, बर्नड ब्रिक्स यूज़ करते थे, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे हर जगह जो है अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ होती थी, बट ये लोग बर्नड ब्रिक्स यूज़ करते थे, ठीक है। अब सिटी का डिवीजन कैसे था? तो देखिए, हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कि दो तरह से जो है हम पार्ट, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका लोअर सिटी, एक हो गया आपका सिटाडेल। सिटाडेल मतलब एक हाई सा एक स्टेज, जैसे स्टेज होता है ना स्कूल में, कोई कार्यक्रम होता है तो एक स्टेज होता है जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करते हैं, बाकी सारा ग्राउंड होता है नीचे, थोड़ा डाउन में होता है, वहाँ पे चेयर्स लगी होती है, पेरेंट्स बैठते हैं, टीचर्स बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, वैसे ही सेम चीज़ है। सिटाडेल जो है एक स्टेज आप मान लीजिए, ठीक है, लोअर सिटी को मान लीजिए आप ग्राउंड जहाँ पे सब लोग बैठे हुए स्टेज पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया सिटाडेल। अब सिटाडेल पे क्या होता था, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी सिटाडेल पे होती थी, थोड़ा हाइट पे बना हुआ पेविलियन होता था। लोअर सिटी में कॉमन चीज़ें होती थी, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं क्या है। तो लोअर सिटी में कॉमन पीपल्स हाउसेज, जो आम आदमी है उनके घर होते थे, जो पब्लिक के लिए जो चीज़ें होंगी वो यहाँ होती थी, शॉप्स हो गई, जो भी होगा, है ना। सिटाडेल पे क्या होता था, बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको सिटाडेल पे मिलेंगी। ग्रीनरीज, ग्रीनरीज क्या होती है, जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता है, स्टोरेज हाउसेस थे। पिलर्ड हॉल्स, बहुत बड़े बड़े हॉल जहाँ पे पिलर लगे हुए थे सुंदर सुंदर, वो थे। समटाइम्स रेजिडेंट्स ऑफ रूलर्स, वैसे आपको कोई शासक नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई तानाशाह नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्टडी की गई है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की, तो कोई मिला नहीं है, बट कुछ बड़े बड़े घर मिले हैं, तो आइडिया लगाया जाता है कि मे बी वो रूलर्स के होंगे, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, पब्लिक बाथ्स। पब्लिक बाथ होते हैं जैसे श्राइन्स होते हैं, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं ना, हिंदू लोग हरिद्वार जाते हैं तो ओपनली वहाँ पे जैसे नहाते हैं, और वहाँ पे क्या है, गंगा नदी है, साथ में स्टेयर्स हैं, है ना, स्टेयर्स पे खड़ते हैं, कुछ कई बार पानी डाउन होता है तो आप नीचे तक स्टेयर्स पे जा सकते हो, अदरवाइज ऊपर तक रह सकते हो। इस तरह से रिलेट करो पब्लिक बाथ को कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर टब जैसा है, यहाँ से भी स्टेयर्स जाती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ पे पानी स्टोर है, यहाँ पे सब नहाते होंगे, तो आइडिया लगाया गया कि कुछ मतलब रिचुअल जो बाथिंग है, इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग, कि कोई
त्योहार है, फंक्शन या फेस्टिवल है, तो उसके लिए रिचुअल जो है बातें यहाँ पे करते होंगे। साथ में कुछ रूम्स भी बने हुए, तो वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि मे बी वो चेंजिंग रूम्स होंगे, है ना। अब इसी का एक एग्जाम्पल है द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, ठीक है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे आप हम बर्तन धो रहे हैं या वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो पाइप्स हैं वो कहाँ पे जाके मिलेंगी। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था उस टाइम के बारे में। अगर हम बात करें जो ये एक्सक्रीशन होता था ना, जो भी मतलब जो पाइप्स होती थी, वो हर एक घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप्स लगाई थी, तो हर घर से पाइपें जो है उस ड्रेनेज हॉल में मिलती थी। फिर वो जो पूरी लंबी लंबी पाइप्स, पाइप्स क्या मतलब, वो तो खाने जैसे होते थे। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, तो यहाँ से जो पाइप निकलेगी यहाँ साइड में जो है इस तरह से नाली जैसी होगी, उस नाली से होते हुए फिर मेन जो एग्जिट है वहाँ तक जाएगी। तो बहुत ही अच्छा उनका सिस्टम था। और ये जो नालियाँ होती थी ना, इनके ऊपर जो स्लैब्स होते थे, इनको रिमूव भी कर सकते थे ताकि क्लीनिंग की जा सके। लोग खुद से क्लीनिंग करते थे ताकि गंद ना रहे, स्मेल ना आए, और उससे फिर उस स्लैब से ढक देते थे ताकि स्मेल और ना हो, भी तो बंद कर देते थे। इस तरह से मतलब बहुत प्रॉपर अच्छा सफाई का सिस्टम था, ठीक है। अब ये हमने देखिए पढ़ा आर्किटेक्चर के बारे में, अब हमें पढ़ना है स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि 3D डायमेंशंस की कुछ मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, एक ही मटेरियल से बनी होती हैं मोस्टली, और बस वो सब हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हल्का सा मैंने हल्का सा एक इंडेक्स बनाया है। जैसे सील्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से मटेरियल की बनी होती है, ब्रॉन्ज फिगर्स, टेराकोटा फिगर्स, पॉटरी कैसी होती थी, ऑर्नामेंट्स जो हैं वो कैसे होते थे, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए ये सब मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से पढ़ाया हुआ है कि इतिहास कैसा था, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। लेकिन आज हम आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स, ये सब पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सील्स। सील्स क्या होती है, मोहरें, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप्स की होती थी, डिफरेंट साइजेस की होती थी, मेनली आपको स्क्वेयर मिलेगी, बट ट्रायंगुलर भी मिल जाएगी, रेक्टेंगुलर भी मिल जाएगी, सर्कुलर भी मिल जाएगी, बट मेनली आपको स्क्वेयर फॉर्म में शेप्स मिलेंगी सील्स की, ठीक है। कौन से मटेरियल से बनी होती थी, तो स्टीयटाइट जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है, उससे जो है ये सील्स, ये मोहरें बनी होती थी। अब इन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस होती थी। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको बताया है क्या होती है, कोई भी जो हार्ड सरफेस होता है या रॉकी सरफेस होता है या मेटल सरफेस होता है, उसके ऊपर जब कुछ लिखा जाता है तो हम उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, हार्ड सर्फेस के ऊपर। तो सील्स भी हार्ड हुई, तो इनके ऊपर जो कुछ लिखा जाता था उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो वो लिखा जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। देखिए इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो लोग थे वहाँ पे बहुत सारे हमें जो है एक तरह से पिक्टोग्राफ्स इस तरह से मिले हुए, सिंबल्स मिले हुए, जैसे ये हो गया सिंबल आपका, ये हो गया सिंबल। तो अब जो हिस्टोरियंस हैं वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो आज तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने लिखा था उसको प्रिडिक्शन उसकी नहीं हो पाई है, ठीक है। उनके स्क्रिप्ट नहीं हम समझ पाए हैं, क्या उनके सिंबल्स थे वो नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट आता है बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल। इनका राइटिंग स्टाइल बाई डायरेक्शन था। अब हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा सिस्टम है। जो उर्दू लिखते हैं वो इस तरह से उल्टा लिखते हैं, लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, पहले राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये ऐसा लिखते थे, तो देखिए जब भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ मैंने थोड़ा लूज लूज लिखा है, यहाँ पे आके टाइट हो गया ना क्योंकि स्पेस नहीं बचा। सेम यही चीज़ उनके साथ थी कि वो यहाँ से लिखते थे खुला खुला, लूज लूज, यहाँ पे जगह नहीं बचती तो टाइट कर देते थे। इसका मतलब यही है कि वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें और यहाँ पे टाइट हो गया, है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल था उनका। नेक्स्ट आता है एनिमल इंप्रेशंस। सील्स के ऊपर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स भी मिलेंगी, जैसे यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया। नो एविडेंस ऑफ काउ, गाय का कोई नामो निशान नहीं था उस टाइम पे। अब जो मोहरें आपने देखी ना, मोहरें जैसे कोई सिक्का हो गया, मोहर हुई, वो इधर भी उधर भी दो साइड्स होती हैं उसकी। तो जो सील्स होती थी उनकी एक साइड पे एनिमल या ह्यूमन फिगर हमें देखने को मिलेगी और दूसरी साइड पे मिलेगी इंस्क्रिप्शन देखने को। इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिखा हुआ है, एक साइड पे कुछ इमेज बनी हुई है। यूज़ क्या था इन मोहरों का, ट्रेड व्यापार के लिए यूज़ होती थी। कुछ सील्स जो है डेड बॉडीज़ की, जो जैसे डेड बॉडीज़ के रिमेन्स मिले हैं वहाँ पर कुछ सील्स मिली हैं, तो इसका मतलब ये कि दैट दीज सील्स माइट हैव यूज एज एमुलेट्स, एज ताबीज़ की तरह भी ये जो मोहरें थी वो यूज़ होती थी। स्वास्तिक डिज़ाइन सील्स ऑल्सो फाउंड, स्वास्तिक डिज़ाइन की कुछ मोहरें हमें मिली हैं जिसके ऊपर स्वास्तिक डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इन सील्स के, है ना। तो यूनिकॉर्न सील मिली है, पशुपति सील मिली है, ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इन सील्स के। अब पशुपति सील के बारे में काफ़ी एलेबोरेट किया हुआ है, क्वेश्चन आता है तो इसका बात थोड़ा सा देखते हैं। पशुपति सील जो है एक स्टीयटाइट स्टील, स्टीयटाइट क्या है, सॉफ्ट स्टोन है, इससे मिलकर बनी होती थी, है ना। डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो, ये आपको मोहनजोदाड़ो में मिली है। इसमें अब इस सील में है क्या, ह्यूमन डीएटी सिटिंग क्रॉस लेग्ड, जिसे हम बोलते हैं ना चौकड़ी मार के बैठो, लेग्स क्रॉस करके बैठो, तो उस पोजीशन में बैठे हुए ह्यूमन डीएटी मिले हैं, जिसने रेफर किया जाता है कि ये पशुपति हैं, ठीक है। ही वियर्स अ थ्री हॉर्न्ड, ये HORNED है, ठीक है, थ्री हॉर्न्ड हेड गियर, मतलब सर पे एक ताज सा पहना हुआ है जिसमें तीन सिंग लगे हुए हैं। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, इसको आप इग्नोर मत करना, पशुपति सील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तभी तो मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब तीन सिंगों वाला इन्होंने एक ताज पहना हुआ है, इनके आसपास एनिमल्स हैं, लेफ्ट में कौन कौन से एनिमल्स हैं, एलिफेंट एंड टाइगर, राइट में कौन कौन से हैं, राइनोसेरस एंड बफेलो, बिलो द सीट ऑफ फिगर, जो ये फिगर जो हमने पढ़ा कि क्रॉस लेग करके बैठी हुई है, जिसके सर पे ताज है, उसके उस फिगर के नीचे भी जो है दो एंटीलॉप्स मृग टाइप बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने सील्स का भी पढ़ लिया काफ़ी कुछ, अब आती है ब्रॉन्ज फिगर्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, बट मैं एक्सप्लेन आपको पूरा फुल करूँगी। बट इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ब्रॉन्ज फिगर्स की बात कर रहे हैं, मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसको यूज़ करके ये ब्रॉन्ज फिगर्स बनाई जाती थी। टेक्निक क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्निक है, मतलब लगता है कि नहीं यार उस टाइम के लोग कितना सोचते थे ना इन सब चीज़ों के बारे में। पर पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, जिसे कि दुनिया का सबसे पुराना ब्रॉन्ज स्कल्पचर माना जाता है, ठीक है। अब ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती क्या है, देखिए कोई भी वैक्स की फिगर ले लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे गीली गीली क्ले की, वेट क्ले की, फिर उसके बाद उसको सूखने देंगे, है ना, वो सूख जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो वैक्स है ना उसके अंडर उसको हीट करके मेल्ट कर देंगे। अब वैक्स सारा मेल्ट हो गया तो जो फिगर थी वो मेल्ट हो गई, ठीक है। अब जो गीली क्ले थी बाहर से वो सूख गई है, हार्ड हो गई, तो उसमें हल्का सा होल कर देंगे, उस होल से सारा का सारा जो ये वैक्स है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब वो सिर्फ क्ले की ही शेप ही बच गई, क्ले की, अंदर कुछ नहीं है, अंदर डालेंगे वो मेटल, हॉट मेटल। अब हॉट मेटल डाला तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा प्रॉपर, वो चेक करेंगे सॉलिड हो गया है, तो उसके बाद से जो बाहर की वेट क्ले जो कि हार्ड हो गई थी उसको रिमूव कर देंगे, और जो मेटल की फिगर बनी उसको थोड़ा सा जो है फिनिशिंग देके, फिर प्रॉपर सेम टू सेम जैसे वैक्स फिगर थी ना वैसी मेटल फिगर बन जाती है। खुद देखिए मतलब कितना फैसिनेटिंग है ना, उस टाइम के लोग इतना सोचते थे, और यही टेक्निक आज के डेट में भी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में, हमारी कंट्री के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में यूज़ होती है, ठीक है। अब देखिए स्पेस पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ लिया सील्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ लिया ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में। अभी ऑर्नामेंट्स है, पॉटरी है, टेराकोटा फिगर्स है, काफ़ी कुछ बचता है जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, अगर आप देखिए शुरू से अभी तक नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया से नोट्स आपके आर्ट एंड कल्चर के बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है पॉटरी, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन। तो ये दो तरह के आपको मिलेंगे, एक हो गया प्लेन पॉटरी, एक हो गया पेंटेड पॉटरी। प्लेन मतलब सिंपल मिट्टी के बर्तन, एक हो गया जिसपे पेंटिंग की हो, है ना। तो इस तरह की जो पॉटरी है उन्हें रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी कहा जाता था, जिसमें रेड कलर का बैकग्राउंड होता था, डिजाइनिंग जो है वो ब्लैक कलर से की गई होती थी। थीम्स की बात करें कि किस किस थीम पे पेंटिंग्स की जाती थी, तो ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल फिगर्स हो गए, इन सब थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स की जाती है। जैसे रेड कलर का बैकग्राउंड कर दिया, उसके ऊपर ट्रीज बना दिए, है ना, तो वो थीम हो गया ट्री थीम, इस तरह से। पर्पजेज, अब जो मिट्टी के बर्तन हैं कुछ प्लेन हैं, कुछ पेंटेड हैं, तो पर्पज़ क्या था इनका, हाउस होल्ड पर्पजेज एंड डेकोरेटिव पर्पजेज, कुछ घर सजाने के लिए, है ना, कुछ घर में जो बर्तन एज अ बर्तन एज अ यूटेंसिल उसको यूज़ करने के लिए, तो ये सब जो है पर्पजेज थे। अब ये क्वेश्चन आता है रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ये सब कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर की तरफ से अच्छे से तैयार रहना होगा, ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपको पता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम रहती है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें चांसेस कम है कि उसमें से कुछ आएगा नहीं आएगा, हम आंसर दे पाएंगे या नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण। तो ये कौन से मटेरियल से मिलके बने होते थे, पहले ये पढ़ते हैं। तो ये प्रीशियस मेटल्स हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, बोन्स हो गए, क्ले हो गए, इन सब से मिलकर बनते थे, ओनली वोर बाय वुमेन। अब देखिए वैसे तो ये कोई आदमी है औरत है सबके द्वारा पहने जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे आभूषण थे जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे, जैसे गिर्डल्स हो गया, इयररिंग्स हो गया, एंकलेट्स, पायलें, इयररिंग्स आप समझ गए, गर्डल्स होता है जो कमर बंदी, कमर पे जो बांधते हैं, ये तीन चीज़ें सिर्फ औरतों के द्वारा महिलाओं के द्वारा पहनी जाती थी, बाकी जो है वो कॉमन पहनते थे। बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, मनके भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, तो उनको बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ थी, चनहुदड़ो एंड लोथल में, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट हमें यहाँ पे मिला है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोन फिगर्स, यानी कि पत्थर के बने हुए फिगर्स। तो बियर्डेड प्रिस्ट हमें मिला है, दाढ़ी वाला एक प्रिस्ट मिला है, मतलब दाढ़ी वाला एक आदमी था जो कि एक शॉल में ऐसा लगता है कि लपेटा हुआ है उसने खुद को। उसकी आईज जो है आधी क्लोज हैं, जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहा हो। आर्मलेट यानी बाजू पे एक बाजूबंद होता है ना, वो बांधा हुआ है राइट हैंड पे। और जो सर था उसके ऊपर अ प्लेन फाइल है अक्रॉस द हेड, मतलब एक इस तरह से पट्टी का जो है सर के ऊपर बांधी हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बियर्डेड प्रिस्ट है, स्टोन का बना था, ब्रॉन्ज का बना था, मेटल का बना था, फिर फंस जाते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए शॉल में जो है लपेटा था, आईज क्लोज थी, इलॉन्गेटेड थी, खुली थी, कैसी थी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट आता है रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ, रेड सैंडस्टोन की फिगर मिली है मेल टॉर्सो की, ठीक है। ऑर्नामेंट्स पढ़ लिए, पॉटरी पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट आता है टेराकोटा, ठीक है। तो टेराकोटा की जो चीज़ें हैं कैसे बनती थी, अब टेराकोटा में यूज़ क्या करते थे, तो फायर बेक्ड क्ले, क्ले जिसको बेक किया जाता था आग में उसका यूज़ किया जाता था। मोस्टली आपको गुजरात एंड कालीमंगन जो कि राजस्थान में है वहाँ ये मिलेगी। जनरली यूज टू मेक, अभी जनरली क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, तो खिलौने हो गए, एनिमल्स की फिगर्स हो गई, जैसे छोटे छोटे हाथी बनाने उसके लिए, मिनिएचर कार जैसे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बच्चों के खेलने के लिए, तो उसके लिए भी यूज़ होते थे। एग्जाम्पल क्या है टेराकोटा इमेज का सबसे बेस्ट, तो वो है मदर गॉडेस। अब माना जाता है दैट शी माइट बी वर्शिप्ड फॉर प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी समझते ना आप, मतलब खुशहाली, पैसा, इस सब के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उनकी पूजा की जाती थी, आइडिया है। और ऐसा भी माना जाता है कि माइट बी शी वॉज कंसिडर्ड द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टाइल होने के लिए भी उनकी पूजा की जाती थी। तो बस इतना था, और वीडियो आई नो काफ़ी लेंथी है, और मैं सुबह सुबह इस वीडियो को शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा लेजी भी रह रहा है, बट मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट कर दूँ इसको इन वन गो। तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।